हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल गुरुकृपा अकेडमी दिस इज़ आयुषी अग्रवाल एंड आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सिलरी वर्ब पर डिस्कस करेंगे दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं वर्ब जिसको हम क्रिया भी बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी को मेन वर्ब कहा था सेकेंड जो टाइप होता है वर्ब का वो कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए आइए शुरू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब और ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को डिफाइन कैसे कर सकते हैं द वर्ब विच इज़ यूज विद द मेन वर्ब एंड गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है और किसकी इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट की स्टेट को डिनोट करता है ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के वर्ब के तीन फॉर्म से बी फॉर्म डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म बी फॉर्म की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंडीशन में इज़ एम आर का यूज़ किया जाता है पास्ट फॉर्म में वॉज़ वर का यूज़ किया जाता है एंड फ्यूचर कंडीशन में विल बी का यूज़ किया जाता है नाउन पे डिपेंड करता है नाउन किस स्टेट में है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है इज़ एम आर वॉज वर एंड विल बी बी फॉर्म की हम बात कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में हम वर्ब बी की ही बात करेंगे तो चलिए आइए शुरू करते हैं इज़ एम आर के साथ इज एम आर प्रजेंट स्टेट में यूज किया जाता है इज एम आर द सिंपल प्रजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी वर्ब बी की बात कर रहे हैं दोस्तों अभी डू हैव की बात नहीं कर रहे हैं वर्ब बी की बात कर रहे हैं इन प्रजेंट टेंस इज एम आर का यूज किया जाता है यह हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये एक्शन वर्ब नहीं होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं आई के साथ विद द प्रोनाउन आई एम का यूज किया जाता है ही शी इट के साथ इज़ का यूज किया जाता है एंड यू वी दे के साथ आर का यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही इज़ माई फादर ही इज़ अ डॉक्टर ही क्या है यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ही के साथ प्रजेंट कंडीशन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर ही के साथ हमने जैसा कि देखा ही शी इट के साथ हमेशा इज़ का यूज़ किया जाता है तो ही इज़ इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वोगा तो ही इज़ माई फादर सिमिलरली ही इज अ डॉक्टर इस तरीके से ही शी एट के साथ इसका यूज करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल आई एम ए टीचर आई एम ए नॉट ए डॉक्टर आई एम ए टीचर आई यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट के साथ आई एम हेल्पिंग वर्क का यूज किया जाता है इसलिए आई एम ए टीचर कहा गया है नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट इन द सेम टीम वी वी यहाँ पे सब्जेक्ट है वी सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है तो वी आर इन द सेम क्लास बट वी आर नॉट इन द सेम टीम दोस्तों आप ये नोट डाउन कर सकते हैं इस एम आर के हेल्पिंग वर्ब को किस प्रोनाउन के साथ कौन सा यूज किया जाता है किस टेंस के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों नाउ यूज ऑफ इज एम आर वर्ब वी फॉर्म की बात करते हैं सिंगुलर सिंगुलर मीन्स एक वचन प्लूरल मीन्स बहुवचन फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं आई आई क्या है फर्स्ट पर्सन है आई के साथ ऑलवेज एम का यूज किया जाएगा और आई का बहुवचन क्या होगा प्लूरल क्या होगा वी वी के साथ आर का यूज किया जाएगा दोस्तों आप ये टेबल नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे किस प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सेकेंड पर्सन की हम बात करते हैं यू के साथ आर का यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यू के साथ आर का यूज़ किया जाता है थर्ड पर्सन ही शी इट ये सब क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ क्या यूज़ किया जाता है का यूज़ किया जाता है एंड प्लूरल थर्ड पर्सन में दे के साथ आर का यूज़ किया जाता है मतलब इस टेबल से हमको ये समझ में आया है दोस्तों ही शी इट के साथ का यूज़ किया जाता है वी यू एंड दे के साथ आर का यूज़ किया जाता है और आई आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाएगा दोस्तों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस समझते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस किसको बोलते हैं जब हम कोई एक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी चल रही है स्टिल गोइंग ऑन है वहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाएगा उस टेंस में जैसे कि कोई भी काम अगर चल रहा है वहाँ पर वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज़ किया जाएगा अगर कोई कार्य प्रेजेंट स्टेट में चल रहा है तो वर्ब प्लस आईएनजी यूज किया जाएगा विद द हेल्पिंग वर्ब एग्जाम्पल आई एम ए प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ये काम अभी चल रहा है तो आई एक सब्जेक्ट है आई के साथ जैसा कि हमने समझा आई के साथ एम का यूज किया जाता है। आई एम प्लेइंग क्यों ही लिखा है दोस्तों यहाँ पे क्योंकि ये कोई काम चल रहा है प्ले क्या है यहाँ पे वर्ब है वर्ब के साथ हमेशा क्या यूज होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आई का यूज किया जाएगा तो आई एम ए प्लेइंग वर्ब के साथ हमेशा आई का यूज किया जाएगा प्ले होगा तो प्लेइंग कुक होगा तो कुकिंग राइड होगा तो राइडिंग डांस होगा तो डांसिंग कोई भी मेन वर्ब होगी कोई भी एक्टिविटी होगी उसके साथ हमेशा आईएनजी का यूज किया जाएगा अगर वो कार अभी प्रेजेंट कंडीशन में चल रहा है तो फॉर एग्जांपल शी इज राइडिंग अ हॉर्स वह घुड़सवारी कर रही है तो वह कोई कार्य कर रही है तो यहाँ पे शी एक सब्जेक्ट है विद द प्रोनाउन शी क्या यूज किया जाता है हमने जैसा कि टेबल से समझा था शी के साथ हमेशा इज़ का यूज किया जाता है तो शी इज इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है शी इज राइडिंग अ हॉर्स नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे आर स्विमिंग वे तैर रहे हैं दे एक यहाँ पे प्रोनाउन है दे के साथ हमेशा आर का यूज किया जाएगा और वे अभी कोई कार्य कर रहे हैं तैर रहे हैं मतलब अब ये कार्य चल रहा है इसका मतलब वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ जो भी एक्टिविटी है उसको हम मेन वर्ब बोल रहे हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटी है स्विम स्विम करना तो यहाँ पर आई एनजी का यूज किया जाएगा तो दे आर स्विमिंग नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज गोइंग टू स्कूल टूडे वह स्कूल जा रहे हैं तो ही के साथ हमेशा इसका यूज किया जाएगा और वह जा रहे हैं तो गो का गोइंग होगा तो ही इज गोइंग टू स्कूल टूडे द फोन इज रिंगिंग फोन बज रहा है तो फोन के साथ इसका यूज किया जैसा कि हमने देखा ही शी इट होगा तो इसका यूज किया जाएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब इन प्रजेंट टेंस क्स्ट एग्जाम्पल इज यू आर राइटिंग अ लेटर तुम पत्र लिख रहे हो यू के साथ हमेशा आर का यूज किया जाएगा और राइट का क्या होगा? होगा क्योंकि ये कार अभी निरंतर चल रहा है तो सिंपली हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहेंगे तो यही कहेंगे प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म में इज एम आर का यूज किया जाता है इज एम आर के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी होगा सेंटेंस में सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी कब यूज करेंगे जब वो कार्य चल रहा है तब आईएनजी का यूज किया जाएगा इस तरीके से हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को समझ लिया है दोस्तों बी फॉर्म की बात कर रहे हैं अब हम अब नेक्स्ट हम पास्ट टेंस की बात करें अगर बी फॉर्म के पास्ट टेंस की बी फॉर्म के हम प्रेजेंट टेंस की बात कर चुके हैं पास्ट टेंस में वाज या वर का यूज किया जाता है जैसे हम वहाँ पर इज एम आर का कर रहे थे यहाँ पर वाज वर का यूज किया जाएगा वाज किस प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं विद द प्रोनाउन आई ही शी इट एंड विथ सिंगुलर नाउन के साथ वॉस का यूज़ किया जाएगा एंड यू वी, दे प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही इज ही वॉज नॉट वेल यस्टरडे वह कल ठीक नहीं था ही के साथ क्या है? ही एक सब्जेक्ट है ही के साथ वॉस का यूज़ किया जाएगा एंड वी वर इन द सेम स्कूल वी यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट है वी के साथ हेल्पिंग वर वर का यूज़ किया जाता है कोई भी सिंगुलर नाउन हो या ही शी इट हो वहाँ पर बॉस का यूज़ किया जाता है इन पास टेंस और यू विदे के साथ वर का यूज़ किया जाता है नाउ नेक्स्ट इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जैसे हमने बी फॉर्म में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस देखा था प्रेजेंट टेंस के लिए सिमिलरली पास्ट टेंस के लिए पास प्रोग्रेसिव टेंस देखेंगे प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब यही है कोई भी काम अगर चल रहा है अब वो फ्यूचर में भी हो सकता है प्रेजेंट में भी हो सकता है पास्ट में भी हो सकता है लेकिन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें इट मीन्स ये पास्ट में कोई काम चल रहा था फॉर एग्जाम्पल दे वर फाइटिंग इन द स्कूल वे स्कूल में लड़ाई कर रहे थे तो कोई कार्य पास्ट में चल रहा था तो दे सब्जेक्ट के साथ वर्क का यूज़ किया जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई वॉज डूइंग माई होमवर्क आई सब्जेक्ट है कल की बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है तो आई सब्जेक्ट के साथ वाज़ का यूज़ किया जाएगा तो मैं कल कार्य कर रही थी और जैसा कि हमने देखा प्रोग्रेसिव टेंस अगर कोई भी प्रोग्रेसिव टेंस है कोई कार्य चल रहा था पास्ट में चल रहा था तो हमेशा वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ आई का यूज किया जाएगा तो यहां पर डू की जगह डूइंग लिखा है फाइट की जगह फाइटिंग इस तरीके से आई का यूज किया जाता है नाउ नेक्स्ट इज बी फॉर्म की अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यहां पर विल का यूज किया जाता है विल बी का नॉर्मली आजकल शॉल का यूज नहीं किया जाता है विल बी ही यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं विल बी फ्यूचर टेंस के लिए होता है यूज दे विल फिनिश द वर्क नेक्स्ट वीक वे नेक्स्ट वीक अपना वर्क फिनिश करेंगे अभी करेंगे अभी हुआ नहीं है कोई काम हुआ नहीं है फ्यूचर में होगा तो यहाँ पर दे के साथ विल का यूज किया जाता है कोई भी सब्जेक्ट होगा कोई भी प्रोनाउन होगा वहाँ पे हमेशा विल का यूज़ किया जाएगा इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों ही विल मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एट हीज़ न्यू स्कूल वह अपने नए स्कूल में क्या बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएगा तो ही एक सब्जेक्ट है फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ही के साथ विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डैड विल बी बैक फॉर अ डिनर डैड वापस आएंगे डिनर के लिए तो आएंगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो डैड के साथ विल का यूज किया जाएगा दोस्तों आगे के डू एंड है को समझने के लिए इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच दोस्तों